जी हाँ दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों अभी तक राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जी हाँ दोस्तों, उपेंद्र जी यादव के नेतृत्व में आज मंडावा के तेत्रा गांव में बेरोजगार एकत्रित हुए, जिसमें जे कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने के लिए वहाँ पर गए थे, क्योंकि इन्होंने लगभग 14 सूत्रीय मांग बताई थी, जिसमें पंचायती राज LDC के शेष रहे 10,029 पद भी शामिल थे। लेकिन वहाँ पे जो अभी विधायक है खड़ी हुई है रीटा सिंह जी, और जो पूर्व विधायक हैं सूरजगढ़ के सरवण कुमार जी, उन्होंने आके मोर्चा संभाला और वहाँ पे बेरोजगारों को की मांगी मानने के लिए बात करी गई। जहाँ पे पंचायती राज LDC भर्ती 2013 के शेष रहे 10,029 पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न करने के लिए भी ज्ञापन दिया गया। क्या कुछ कहा इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि रीटा सिंह जो विधायक खड़ी हुई है मंडावा से, विधानसभा क्षेत्र मंडावा, उनको ज्ञापन दे रहे हैं पंचायती राज LDC भर्ती के अभ्यर्थी। जी हाँ दोस्तों, ज्ञापन दिया गया है वहाँ पे स्थानीय विधायक को मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के नाम। विषय लिखा गया कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 की प्रतीक्षा सूची जारी कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के संबंध में। मान्यवर जी, नम्र निवेदन है कि हम समस्त पंचायती राज LDC भर्ती 2013 के बेरोजगार युवा पिछले 6 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी पंचायती राज LDC भर्ती 2013 संपूर्ण नहीं हो सकी। जबकि 1 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत ने प्रदेश भर से आए युवाओं से मुलाकात कर पंचायती राज की कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के शेष रहे 10,029 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद पंचायती राज विभाग ने 5 मार्च 2019 को कनिष्ठ लिपिक भर्ती का कैलेंडर जारी कर सभी जिला परिषदों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश भी जारी किया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के कारण भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई थी, जिसके कारण बेरोजगार युवा दर दर की ठोकरें खा रहा। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि पंचायती राज LDC भर्ती 2013 को जल्द से जल्द पूर्ण करवाने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी, आपकी अति महत्वपूर्ण कृपा होगी। जी हाँ दोस्तों, भवदीय समस्त अभ्यर्थी पंचायती राज LDC भर्ती 2013। तो मंडावा में पंचायती राज LDC भर्ती 2013 को शुरू करवाने को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें वार्ता सकारात्मक रही और जल्द ही पंचायती राज LDC भर्ती 2013 के शेष रहे 10,029 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देने की भी यहाँ पे बात कही गई। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें, और आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को अभी तक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।